एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं मैजिक वेक्टर से रिलेटेड। इस मैजिक को आप भी कर सकते हैं, बस मेरे साथ कुछ स्टेप्स फॉलो करते जाइए। आपको इस मैजिक को करने के लिए चाहिए सिर्फ एक पेन और एक कॉपी। हाँ, स्केल रहेगा तो ये मैजिक आप और ज़्यादा एक्यूरेट कर सकते हैं। करना क्या है आपको, आपको बनाना है एक क्वाड्रिलेटरल। तो बनाते हैं, क्वाड्रिलेटरल बनाने से पहले आपको ये इंस्ट्रक्शन दे देती हूँ, आपकी मर्जी कोई भी रैंडम क्वाड्रिलेटरल आप बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मेरा क्वाड्रिलेटरल आपका क्वाड्रिलेटरल मैच करे, बट जो रिज़ल्ट होने वाला है वो हम दोनों के लिए ही सेम होने वाला है। यही तो मैजिक है। आइए देखते हैं कैसे। मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना क्वाड्रिलेटरल बनाना, होप कि आपने भी स्टार्ट कर दिया होगा। अब आपको करना क्या है, इनके सभी साइड्स का मिड पॉइंट निकाल लेना है। अब इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। शायद आपको भी एक पैरेललोग्राम ही मिला होगा, तो जो फिगर मिला आपको उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जिसमें कि अपोजिट साइड्स पैरेलल हो और इक्वल हो। कोई वंडर नहीं है कि ये क्वेश्चन आपने छोटी क्लास में सॉल्व भी किया होगा, बट ज्योमेट्री का यूज़ करके क्यों ना हम इसको वेक्टर से रिलेट करने की कोशिश करें। आइए देखते हैं, इस क्वाड्रिलेटर के चारों साइड को हम बनाएंगे वेक्टर। वेक्टर बनाने के लिए हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक टेल से और एक हेड से, और इसको नाम दे देते हैं ए वेक्टर। ऐसे ही इसको नाम दे देते हैं बी वेक्टर। इसका डायरेक्शन रखेंगे इधर, ये हो गया सी वेक्टर और ये हो गया डी वेक्टर। ठीक, अब हमने इस वेक्टर को आधा किया, ठीक, मिड पॉइंट मीन्स हाफ हाफ किया, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, 1/2 ए वेक्टर, ये किस में हो जाएगा, 1/2 ए वेक्टर, ये 1/2 बी वेक्टर, 1/2 बी वेक्टर। Similarly, this one will be C vector and this one will be D vector. So this will be half C vector, half C vector, half D vector and this will be half D vector. अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर आप A vector plus B vector करते हो तो आपको कौन सा वेक्टर मिलेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और अगर सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर करते हो तो भी ट्रायंगल लॉ से क्या मिलने वाला है आपको, सेम यही वेक्टर मिलने वाला है। तो क्या हम इसको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बोल सकते हैं? बिल्कुल। अब देखिए, जो आपको हाफ ए वेक्टर हाफ बी वेक्टर करके मिला है वो आपको कौन सा वेक्टर मिला है, ये वेक्टर। इसको हम क्या बोल सकते हैं, हाफ ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, वैसे ही ये जो आपको मिला है
वो कैसे मिला है? हाफ ऑफ सी वेक्टर प्लस हाफ ऑफ डी वेक्टर। तो इस वेक्टर का नाम क्या हम बोल सकते हैं? हाफ ऑफ सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। अब पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए सिर्फ हमें क्या करना है, इन दोनों को पैरेलल प्रूफ करना है और साथ के साथ इक्वल प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप 1/2 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हाफ से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हो तो क्या ये दोनों वेक्टर आपको इक्वल मिलेंगे? बिल्कुल। और वेक्टर के इक्वल होने का मतलब उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो लाइन है और ये लाइन है वो दोनों इक्वल होने के साथ साथ पैरेलल भी हैं? बिल्कुल। जैसे ही आपने इन दोनों को इक्वल और पैरेलल प्रूव किया, अदर जो साइड्स हैं वो खुद ब खुद पैरेलल और इक्वल हो गई। तो देखा कैसे वेक्टर का यूज़ करके हमने इसे पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया था ना, मैजिक।